लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सरकारी संस्थाओं के उपार्जन केंद्रों पर 15 अप्रैल के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण, प्रत्येक केंद्र पर कम से कम दो बार 13 व 14 अप्रैल को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से गठित दलों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना था, जिसके तहत आज 103 उपार्जन केंद्रों में से 98 उपार्जन केंद्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शेष बचे हुए का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को निर्देशित किया है कि निर्धारित दिनांकों को अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं तथा उन उपार्जन केंद्रों पर उपस्थित स्टाफ, मजदूर व किसानों का भी स्वास्थ्य परीक्षण दिलवाना भी सुनिश्चित करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सभी किसान भाइयों से मेरी ये अपील है कि एक तो जिसको SMS आए वही उपार्जन केंद्र पर आए, अपने साथ कम से कम व्यक्तियों को लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अधिक लोगों को लेकर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करना संभव नहीं हो पाएगा, और आप अपने साथ अपने खाने की सामग्री लेकर आएंगे, क्योंकि उपार्जन केंद्र के चारों तरफ धारा 144 लगाया गया है और वहाँ पर केवल उन्हीं का प्रवेश अलाउ किया गया है जिनका सीधे उपार्जन की प्रक्रिया में कोई भूमिका है, और उपार्जन केंद्र के आसपास किसी भी चाय पान की दुकानें, खाने पीने की दुकानें लगाने के निर्देश नहीं है, और अगर कोई पहले से दुकान होंगे तो उसको भी बंद करा दिया जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।